नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बघेल संग्रहालय स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसी में बघेल संग्रहालय स्थित है। और इस संग्रहालय में सफेद बाघ जो मोहन था इसके एवं अन्य बाघों की खाल को संरक्षित किया गया है। और जो ये सफेद बाघ मोहन है इसे 28 मई 1951 को बांधवगढ़ के जंगलों में जो रीवा के तत्कालीन महाराजा थे मार्तंड सिंह, इन्होंने देखा था और इसका नाम रखा था मोहन। फिर ये जो मोहन बाघ था ये उन्हीं के महल में रहा था, और 28 दिसंबर 1969 को मार्तंड सिंह का जो महल था उसमें इस मोहन बाघ की मृत्यु हो गई थी। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि माला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है जबलपुर में, ग्वालियर में, छतरपुर में या नरसिंहपुर में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस ₹50 है, लेकिन अभी हमने इस पे 50% का डिस्काउंट रखा है, तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ ₹25 में मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो आपको एमपी करंट अफेयर 2022 की 1000 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वह भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मतलब दोनों ही पीडीएफ आप सिर्फ ₹25 में प्राप्त कर सकते हैं। तो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर नवनिर्मित केत लेव का लोकार्पण किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। आप देख सकते हैं जनसंपर्क विभाग का इस पर ट्वीट भी है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में आरोग्य धाम चिकित्सालय के नवनिर्मित केत लेव का लोकार्पण किया गया है। कहां पर किया गया? तो ग्वालियर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां पर, और इस लेब को आरोग्य धाम चिकित्सालय ने निर्मित किया है, और इस केत लेब का लोकार्पण श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और अभी हाल ही में ही ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश के गृह विभाग मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने एक डीएनए लेब का भी शुभारंभ किया है। इससे पहले डीएनए लेब ये भोपाल, सागर और इंदौर में स्थित है, और जो ग्वालियर में बनाई गई है ये चौथी लेब है, चौथी डीएनए लेब है मध्य प्रदेश की। और भारत की पहली केत लेब ये कहां पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कायाकिंग केनोइंग की ओवरऑल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसका ट्वीट भी है कि मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। इसमें मध्य प्रदेश की जो टीम थी वह पहले स्थान पर आई थी, और इसमें मध्य प्रदेश की जो पुरुष टीम है वह तो पहले स्थान पर आई है, लेकिन जो महिला टीम है कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता में इसने ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हिमालय में रहने वाला दुर्लभ फायर कैप्ड टिट पक्षी किस शहर में मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देख सकते हैं नई दुनिया का आर्टिकल भी है कि भोपाल में मिला है हिमालय में रहने वाला दुर्लभ फायर कैप्ड टिट पक्षी। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और बीएनएस नेचर सेवियर्स के सहयोग से चौथी भोज वेटलैंड शीतकालीन पक्षी गणना आयोजित हुई, और इस चौथी शीतकालीन पक्षी गणना में 9 राज्यों के 210 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पक्षी गणना के दौरान भोपाल में हिमालय में रहने वाला दुर्लभ फायर कैप्ड टिट यानी के रक्त से चिचिल कोटे पक्षी मिला है, और हिमालय की तराई क्षेत्रों में रहने वाला यह पक्षी 10 मीटर का होता है जो ठंड के दौरान प्रवास पर रहता है। और यह पक्षी है, इसकी खासियत यह है कि यह 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं, और सिर पर लाल निशान के कारण इसे फायर कैप्ड टिट पक्षी कहा जाता है। हिमालय की तराई क्षेत्रों में प्रवास करने वाले 155 प्रजाति के
30,000 से भी ज्यादा पक्षी पशु पक्षी भोपाल में रामसर साइट है बड़े तालाब के पास यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ग्रीष्मकालीन समय तक यहाँ पर रुकते भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग टीम इवेंट में रनर अप ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश ने। कि मध्य प्रदेश की जो बॉक्सिंग टीम है इसने 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 13 मेडल हासिल कर जो रनर अप ट्रॉफी है ये अपने नाम की है और इसमें हरियाणा राज्य पहले स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में नेंसी सोलंकी और युग प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया? तो इसमें इन्होंने हासिल किया है कांस्य पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में जो युग प्रताप सिंह है इन्होंने और नेंसी सोलंकी ने 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मिक्स टीम इवेंट होता है इसमें कांस्य पदक हासिल किया। चलिए दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है इससे संबंधित जो भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं वह भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में जो महेश्वर है यहाँ पर केनो सलालम प्रतियोगिता का आयोजित की गई, इसमें मासी बाथम ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा बास्केटबॉल में महिला वर्ग ने मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान हासिल किया और इसमें मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इनके अलावा भोपाल का जो टीटी नगर स्टेडियम है इसमें एथलेटिक्स इवेंट में मध्य प्रदेश की जो कन्या नेहर है शिव कन्या नेहर है इन्होंने 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। और जो आर्टिस्ट और योगासन प्रतियोगिता हुई थी इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर की कुमारी रिया और कुमारी निशिता ने इसमें योगासन में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। फिर मध्य प्रदेश के जो हिमांशु मिश्रा है इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जेवलियन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया, यानी कि हिमांशु ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट एकेडमी के नितिन वर्मा ने कायाकिंग में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल कर मध्य प्रदेश को गोल्ड दिलाया है। फिर मध्य प्रदेश के घनश्याम कुमार ने जिमनास्ट में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा एथलेटिक्स मुकाबलों के पहले दिन मध्य प्रदेश की जो लता पटेल है इन्होंने हाई जंप में कांस्य पदक हासिल किया था। फिर मध्य प्रदेश के आर्चरी अकेडमी की अमित कुमार मतलब आर्चरी अकेडमी के अमित कुमार और सोनिया ठाकुर ने मिक्स डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और मध्य प्रदेश की जो एथलेटिक्स पुरुष वर्ग टीम थी ये ओवरऑल चैंपियन रही है। अब हम 6 फरवरी 2023 के यानी कि हमारी पिछली वीडियो के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर मलिका मोर ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का शुभारंभ किसने किया? तो विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया था ये भिंड जिले से श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश की एथलीट बुशरा गोरी खान ने 3,000 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और 1500 मीटर रेस में इन्होंने रजत पदक जीता था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कब से होगी? तो ये शुरुआत की जाएगी 8 मार्च 2023 से। मध्य प्रदेश के एथलीट देव मीणा ने पोल वॉल्ट इवेंट में कितने मीटर की ऊंचाई पार कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4.91 मीटर। अब हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो हमारे आज के 10 प्रश्न थे इनमें किलों को शामिल किया है। तो चंदेरी का किला किस जिले में स्थित है? तो चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में स्थित है। रेहली का किला ये सागर जिले में स्थित है। गोहद का किला भिंड में स्थित है। इसके अलावा बागरा का किला ये होशंगाबाद में स्थित है और गुलगंज का किला ये छतरपुर जिले में स्थित है। फिर करेरा का किला ये शिवपुरी में स्थित है और देवरी का किला ये सागर में स्थित है। इसके अलावा किशनगढ़ का किला ये छतरपुर में स्थित है और मकड़ई का किला ये हरदा में स्थित है और रामगढ़ का किला ये डिंडोरी में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो जरूर करिएगा और अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी आपके सामने शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।